आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली, आज 42,750 करोड़ रुपए की फिरोजपुर को देंगे सौगात। योगी सरकार ने कोरोना पर बढ़ाई सख्ती, नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। मिशन 2022 में जुटे बीजेपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वादा, जिले में विकास का खाका होगा तैयार। नितिन गडकरी का संगम नगरी दौरा, आज 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात। बारिश और घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड, देश प्रदेश में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर मिर्जापुर से है, जहां अदलहाट में आयोजित भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूं ताल ठोक के लाल टोपी। अरे ताल ठोक के लाल टोपी क्या गुंडई करने आ रहे हैं? अतीक के संपत्ति पर योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया और मकान बनवाकर गरीबों को बांट दिया, क्या उस पर फिर बुलडोजर चलवाने आओगे? क्या मंदिर का निर्माण करवाने आ रहे हो? गरीबों का शौचालय छुड़ाने आ रहे हो? महिलाओं पर अत्याचार करने आ रहे हो? तुम लाल टोपी हो तो क्या ये बैठे हुए सभी भारत माता के लाल है? भारत माता के लाल लाल टोपी को अब नहीं आने देंगे, अब केवल कमल खिलेगा। और साथ ही कई और मुद्दों पर भी अखिलेश पर जमकर हमला बोलते नजर आए। छह यात्राएं थी, जनविश्वास यात्रा उसका समापन हो गया है। 403 विधानसभाओं में मोर्चों का सम्मेलन चल रहा है, लगता है कल तक वो भी परसों तक समापन हो जाएगा। सभी संगठन की दृष्टि से चुनाव की पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। 7 साल केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की 5 साल की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और फिर से विश्वास उनका अर्जित करने के लिए, इसीलिए सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जनता के आशीर्वाद से पुनः 300+। खबर रायबरेली से है, जहां सहारा और पल्स जैसी कंपनियों में पैसा गवा चुके निवेशकों के पक्ष में रायबरेली के कांग्रेसियों ने धरना दे दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने भाजपा सरकार से मांग की है कि निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। तिवारी का कहना है कि लाखों निवेशकों का 49,000 करोड़ रुपए सहारा और 24,000 करोड़ रुपए पल्स गरीब निवेशकों का दबाकर बैठ गई है। मेहनत मजदूरी कर गरीबों ने पाई पाई इन कंपनियों में भविष्य के लिए निवेश किया था। पल्स पहले ही बंद हो गई थी, जबकि सहारा हाल ही में वित्तीय संकट के चलते निवेशकों का पैसा नहीं वापस कर रही है। जब तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं होगा, पार्टी इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। तो निवेशकों का पैसा वापस दिलाने पर पंकज तिवारी अड़े हैं। रायबरेली से एक खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे। हमारे उत्तर प्रदेश में एक सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, एक पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज थी। दोनों कंपनियों ने हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम निवेशक जो मध्यम वर्ग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत करके इन कंपनियों में पैसा जमा किया। कंपनियां बंद हुई, इसके बाद लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये लोढ़ा समिति को आदेश किया कि आप इसको कमेटी बनवाइए और 6 महीने के अंदर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत ने नए आयाम गढ़ना शुरू कर दिया है। 2022 के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में करीब 150 करोड़ रुपए का बजट पास कर इसकी इबादत लिखने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह की अगुवाई में बजट पास करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधायक, सांसद प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स और
अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा पेश किए गए 2021-22 और 22-23 के इस संशोधित बजट को बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया है। 2021-22 के लिए यहां करीब 76,27,00,000 तो वहीं 22 और 23 के लिए करीब 74 करोड़ का बजट पास किया गया है। तिहत्तर करोड़ 98 लाख बजट पास किया गया है और इसके बाद ये इससे पहले कितना था 22 का 76 करोड़ 27,62,299। काम इसमें रोड का सबसे ज़्यादा रोड नाली और इधर पेयजल का भी व्यवस्था है और इसके बाद जितनी हमारी रोडें जो पुरानी थी उनको भी इस पे रिपेयर में लेना है, बाकी नई रोडों का भी जाल हम बिछा रहे हैं। खबर चंदौली से है जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। भैंस चराने को लेकर यादवों और पासवानों में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें दबंगों ने औरतों बूढ़ों बच्चों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं मारपीट से गांव में दहशत का माहौल है। सभी घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। मारपीट की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 5 लोगों को उठा लिया है। तो मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि मारपीट के बाद काफी गंभीर माहौल हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर चंदौली से जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, लोग लहूलुहान हो गए हैं, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भैंस चराने को लेकर ये विवाद हुआ है। यादवों और पासवानों के बीच खूनी संघर्ष बताया जा रहा है जहां दबंगों ने औरतों बूढ़े और बच्चों सभी को जमकर पीटा और पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। सभी घायलों को इलाज के लिए परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं। अजीत, किस वजह से ये पूरी घटना हुई? मैम, हम आपको बता दें कि लगभग ये घटना 4:30 बजे की है और दोनों पक्षों में मतलब पुरानी विवाद को लेकर आपसी में दोनों आपसी विवाद में दोनों पक्षों को कुछ दिन पहले इसके मामले को समझाया गया था पुलिस थाने पर। फिर दोनों पक्षों में कुछ दिन तक आपसी तनाव थी। फिर उसके बाद कल एक बुजुर्ग भैंस चरा रहे थे खेत में जिसके कारण भैंस चरा थे और कुछ दोनों पक्ष के बाद में वो भैंस खेत में चली गई थी और बुजुर्ग को कुछ लोग मारने पीटने लगे। जी, तो इसपे पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है जी? पुलिस ने यही कार्रवाई की है कि दोनों पक्षों को थाने पर बुलाई और तहरीर दोनों पक्षों का रिपोर्ट लिखाया गया और तहरीर दिया गया है और जो लोग घायल हैं उसको भर्ती भी कराया गया और थाने पर जाके FIR उनकी हो रही है और सुविधाधर से पूरा वहाँ पर पुलिस तैनात है। जी अजीत, जिस तरह से गंभीर माहौल हो गया पूरे गांव में इस मारपीट के बाद, तो कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरी घटना में? लगभग 8-9 लोग घायल हो चुके हैं इसमें और दोनों पक्षों को मिला के लगभग 8-9 लोग घायल हैं जिसमें दोनों पक्षों में 4-5 लाख लोग अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं और 4-5 लोग का हाथ में भी चोट आई है और दोनों कुछ लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे। वहीं अब खबर औरैया से है जहां पर 14 महीने के बच्चे का अपहरण करके भागी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह अपहरण 2 लाख की फिरौती के लिए किया गया था। फफूंद थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की सक्रियता से इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला के बेटों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही थी। फफूंद कस्बे के बाबा का पुरवा से बच्चे का अपहरण हुआ था। पुलिस ने बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया है।
खबर बलरामपुर से है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र धरने पर बैठ गए हैं और खुद को विद्यालय के छात्रावास में 36 घंटे से कैद करके बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्या के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हालांकि छात्रों के इस कृत्य से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सुबह से ही अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, जहां उप जिलाधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों ने बार बार अनुरोध किया, लेकिन छात्रों ने छात्रावास का दरवाजा नहीं खोला। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि प्राचार्य का स्थानांतरण किया जाए। वहीं जब मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राय ने नवोदय विद्यालय संगठन के डिप्टी कमिश्नर से छात्रों से वीडियो कॉल पर बात कराई और अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव से उनकी सभी मांगे पूरी करने की शर्त पर छात्रावास का दरवाजा खुलवाया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर ने बताया कि प्राचार्य पर लगे सभी आरोप निराधार है। प्रथम दृष्टिया जांच करने में यह पता लगा है कि छात्रों को अनुशासनात्मक रूप से नवोदय विद्यालय के नियमों के पालन हेतु आदेशित किया गया था, जिसको विद्यालय के छात्र उत्पीड़न समझ बैठे और हड़ताल कर दी। तो प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रथम दृष्टिया ये बताया गया है कि जो भी आरोप है वो निराधार है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। अमित, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? जी, आपको बता दें पूरा मामला बलरामपुर जनपद के लेखा है। किसी बात को लेकर जो जा रहा है उस पर आरोप लगाकर बच्चे धरने पर बैठ गए, एक समय बदल लिए, जहाँ काफी अधिकारियों के रिक्वेस्ट बाद शाम को गए माने और अपना वो छोड़े, और जो जिले के अधिकारी थे उन्होंने उनको दूसरी तरफ का बर्थ तोड़ा और उनकी जो मांगे थी जो डीसी के उनसे बात करवा के और कहा कि जांच कराई जाएगा और जो बच्चों की मांग है उनकी पूरी की जाएगी। जी, तो मांग पूरी करने की बात तो कह दी गई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोप लगाए वो निराधार है, तो अब इस पे क्या करा जाएगा, क्या फैसला लिया जाएगा? मैं जी आपको बता दूं कि जो जिले के डीएम थे सदर, उन्होंने कहा कि हमले जो इसमें है जो प्राचार पे जो लगे गंभीर आरोप लगाए गए बच्चों द्वारा ये निराधार है, लेकिन जो इसमें प्रथम दृष्टिया जांच करने में यह पता चलेगा कि छात्रों का अनुशासनात्मक रूप से नवोदय विद्यालय के नियमों को पालन हेतु जो आदेश किया गया इसके लिए उन्होंने धरना दिए थे क्या, जो जो प्रधानाचार्य पर आरोप लगा रहे हैं वो सही है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जो जो लखनऊ टीम गठित होगी वो जांच करने के लिए नवोदय स्कूल में आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार जुड़े थे बलरामपुर से। खबर फरीदाबाद के वल्लभगढ़ से है, जहां कांग्रेसी नेता जगन डागर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 500 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा। कोरोना काल में रक्तदान करने के लिए सैकड़ों युवाओं में जोश देखने को मिला। वहीं एक व्यक्ति ने 75वीं बार रक्तदान करके लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करें और साथ ही यह भी कहा कि टीम दीपेंद्र लगातार भलाई कार्य करने में जुटी हुई है। आज का जो आयोजन है वो हर दिल अजीज इस सदी के नायक चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का आज हम जन्मदिन, हमारी पूरी समष्टि आप देख रहे होंगे, ये पूरा तमाम बल्लंगड़ी नहीं तमाम फरीदाबाद के यहाँ नौजवान साथी उमड़ पड़े हैं। अपने जन नायक अपने चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का आज जन्मदिन मनाने के लिए ये सब अपना ब्लड डोनेशन के रूप में। वही खबर हाथरस की तहसील सिकंदरा राव से है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक प्रदर्शनी लगी थी। देर शाम प्रदर्शनी में एक अराजक तत्व ने कई जगह पर फायरिंग कर अफरा तफरी मचा दी। हालांकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन अचानक हुई फायरिंग से प्रदर्शनी में हड़कंप के साथ भगदड़ मच गई। वही प्रदर्शनी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ने चले तो युवक ने पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग कर दी। तो वही पुलिसकर्मियों ने भीड़ की मदद से फायरिंग करने वाले आरोपियों को मौके पर ही दबोच कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मयंक जुड़ चुके हैं हाथरस से। मयंक, किस तरह की प्रदर्शनी लगी थी, हम ये जानना चाहेंगे।
मयंक, जो प्रदर्शनी लगी थी उसके बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। जी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रदर्शनी हुई है इसमें एक व्यक्ति आके उसमें फायरिंग कर रहा है, और फायरिंग करने के बाद में जब पुलिस प्रशासन को पता चला तो पुलिस प्रशासन ने उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। और जी जी कितने लोगों द्वारा ये फायरिंग की गई है मयंक? जी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति था जो कुछ समय से उपद्रव मचा रहा था, ये जो कट्टा लहराया जा रहा है उसमें जी। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुंचने के बाद में और इसको गिरफ्त कार्रवाई करने के बाद जेल भी भेज दिया गया है। जी मयंक, जो फायरिंग की गई इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या बताया जा रहा है? इस फायरिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ये लहरा रहा था और अपने आप को दबंगे पेश कर रहा था कि अगर मैं हूँ तो सब कुछ है और नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मयंक जुड़े थे और अब आपको सुनाते हैं कि दबंग ने क्या कुछ कहा है। आपका नाम क्या है? जीतू। क्या मामला था निवास में? मामला ये था भाई, फायरिंग हुई थी, तीन गोली चली थी निवास में। अच्छा। पहले गोली झूले पे चली थी, उसके बाद में बीच गली में चलाई थी, तीसरी गोली चली थी हलवा पराठे के सामने। अच्छा, किस वजह से चली थी? कुछ उसकी कोई चैट बाजी थी दिन में। किससे? किसी से भी हो, उसकी अटक हमें नहीं मालूम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी उसकी, क्यों गोली चलाई थी उसने। अच्छा, उसका नाम मालूम है आपको? उसका नाम था, उस नौरंगाबाद का रहने वाला है वो। अच्छा, अब कहाँ है वो? जेल के थाने का थाने। अच्छा, प्रशासन को पकड़वा दिया था वो, मैंने पकड़ा था उसको। अच्छा। फतेहपुर के भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत का आयोजन किया। इन सात सूत्रीय मांगों में रोड के नवीनीकरण, पीएम आवास, जमीन पर किए गए अवैध कब्जे जैसे मामलों के निस्तारण की बात रखी गई है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने खंड विकास अधिकारी के उपलब्ध न होने से एडीओसी को ज्ञापन सौंपा है। मथुरा जनपद के बलदेव विधानसभा गांव अवैरनी में उप जिलाधिकारी महावन और सीओ महावन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान और गांव की अनेकों समस्याओं को लेकर मीटिंग की गई। मीटिंग में मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी महावन, सीओ महावन, भाकी उपमंडल अध्यक्ष लेखराज सिंह मौजूद रहे, जिसमें ग्रामीणों के सुझाव के बारे में बताया गया। उप जिलाधिकारी ने देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि चुनाव नजदीक है, गांव में बूथ संख्या को ध्यान में रखते हुए लड़ाई झगड़े से बचते हुए बूथ बनाए गए हैं और सभी लोग ध्यान दे कि उनका मत कट तो नहीं गया है, अगर कट गया है तो उसे बढ़वाने का काम करें। साथ ही सीओ महावन रविकांत पाराशर ने बताया कि चुनावी समय पर लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ग्रामीण भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिन लोगों के पास हथियार है वो अपने हथियारों को जमा करें और दंगाई लोगों से बचे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।